तो वहीं सूबे के मुखिया का उदयपुर दौरा प्रस्तावित है। देवास में तृतीय और चतुर्थ परियोजना का शिलान्यास करेंगे। 132 केवी के समीप बने आईटीआई भवन का भी उद्घाटन करेंगे। मावली में महाविद्यालय का लोकार्पण किया जाएगा। असम राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया भी मौजूद रहेंगे। प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी सहित कैबिनेट मंत्री कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। महाराणा प्रताप राजतिलक स्थली पर जाने का भी कार्यक्रम प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री गोकुंडा बस स्टैंड पर विशाल जनसभा को संबोधित भी करेंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां महाराणा प्रताप राजतिलक स्थली पर जाने का कार्यक्रम प्रस्तावित है और साथ ही साथ मुख्यमंत्री गोकुंडा बस स्टैंड पर विशाल जनसभा को संबोधित भी करेंगे। तो सूबे के मुखिया का यानी कि भजन लाल शर्मा का उदयपुर दौरा प्रस्तावित। ऑनलाइन पे हमारे साथ जुड़ चुके हैं धीरज रावल। धीरज, क्या कुछ जानकारी उदयपुर दौरे को लेकर? जी बिल्कुल, प्रदेश के मुखिया भजन लाल शर्मा जो है वो आज उदयपुर दौरे पर है, जहां गोकुंडा और मावली के अंदर वो शिलान्यास और लोकार्पण कार्यक्रम में जो है वो शिरकत करेंगे। अगर बात की जाए तो करीब 11:20 पर वो डबोक एयरपोर्ट पहुंचेंगे और वहां से हेलीकॉप्टर से वो सीधे गोकुंडा पहुंचेंगे। गोकुंडा पहुंचेंगे तो वहां पर देवास तृतीय एवं चतुर्थ परियोजना का जो है वो शिलान्यास वहां पर करेंगे। वही 132 केवी के समीप बने आईआईटी भवन का भी वहां पर उद्घाटन जो है वो प्रदेश के मुखिया भजनलाल शर्मा करेंगे। इस दरमियान जो है वो असम के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया वो भी मौजूद रहेंगे। वही वहां से वह सभा स्थल पहुंचेंगे और सभा स्थल और सभा को संबोधित करेंगे। इस दरमियान भजनलाल शर्मा और गुलाब चंद कटारिया दोनों जो है वो महाराणा प्रताप राजतिलक स्थली जो है वहां पर पहुंचेंगे और वहां पर महाराणा प्रताप को नमन करेंगे। इसके बाद वो वहां से सीधे मावली के लिए रवाना होंगे और मावली में पहुंचकर मावली में जो राजकीय महाविद्यालय है उसका वहां पर लोकार्पण करेंगे। इस दरमियान जो है प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के सीपी जोशी सहित कैबिनेट मंत्री कार्यक्रम में जो है वो यहां पर शिरकत करेंगे। और आज उदयपुर मेवाड़ में जो है वो प्रदेश के मुखिया भजनलाल शर्मा जो है वो कई सौगातें का जो है वो यहाँ पर लोकार्पण वो शिलान्यास करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया धीरज तमाम जानकारी के लिए। तो प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी सहित कैबिनेट मंत्री कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। भजनलाल शर्मा के साथ महाराणा प्रताप राजतिलक स्थली पर जाने का कार्यक्रम प्रस्तावित है।